थोड़ा सा मिरर से मेरे फोन से एक स्टोरी लेनी है राजा ले लाइक मुझे पहले दिखाओ उनके उसके बाद थोड़ा पीछे चले जाओ सो दैट वी आर आल्सो विजिबल When you left, sir? When I left? छोटा सा वो अभी ना तुम लोगों को वो बहुत मुझे चिपल गया है यहाँ से थैंक यू मैम थैंक यू चलो यहाँ पे क्या शूट करने आए हो तो करण पुनिया मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली लोगों से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं मेरे फैंस को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आपकी इतने सपोर्ट प्यार और वोट्स के लिए ऑनेस्टली जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है आई एम रियली इन्जॉइंग दैट और मुझे उससे वो कमेंट्स से इंसाइट्स भी मिल रहे हैं कि शायद मैं ये बेहतर कर सकती थी घर में या ये चीज़ मैंने बहुत अच्छा किया घर में और दूसरा जो चीज़ मैंने कल रात को नोटिस किया कल का प्रोमो देख के बहुत सारे फैंस ने लिखा मुझे कि श्रुजिता दे वॉज राइट अबाउट गौरी एंड वो पहले से ही वो देख चुकी थी लाइक शी ऑलरेडी फॉर सीन दैट दिस गोना कम सी फिर भी मैं वापस से कहना चाहती हूँ कि बाय स्टैंडर्ड मैंने ये मीन नहीं किया था कि वो कहाँ से आती है या कहाँ से बिलोंग करती है मैंने सिर्फ उनके जेस्चर को स्टैंडर्डलेस कहा था और जो कि आप लोगों को अभी समझ में आ चुका है और आप लोगों ने इसीलिए कहा कि श्रीजिता वी आर रियली सॉरी हम लोगों को श्रीजिता को सॉरी बोलना चाहिए जो मैंने ट्विटर में बहुत सारे ट्वीट्स देखे एक्चुअली आपके ये सारे कमेंट्स ने मेरे दिल को छू दिया क्योंकि मुझे एक गिल्ट फीलिंग हो रहा था कि मैं आप सबसे सॉरी कहूँ और इसलिए मुझे गिल्टी लग रहा था कि मैंने वो मीन ही नहीं किया जिस तरीके से मैं प्रोजेक्टेड हुई बाहर या जिस तरीके से आप लोगों को लगा कि मैं क्लासिस्ट हूँ या एरोगेंट हूँ मैंने वो बिल्कुल मीन नहीं किया और फाइनली आप सबको वो चीज़ समझ में आ रहा है धीरे धीरे एंड ऑल दिस ब्यूटिफुल कॉमेंट्स जो ट्विटर में आया है आई रियली वैल्यू दैट थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी और या श्रीजिता जिस तरीके से आपने कहा कि लाइक गौरी का जो पोर्शन दैट शी वाज डूइंग अगेन एंड अगेन जो नहीं दिखाया गया क्योंकि वो कंटिन्यू कर रही है और डिफरेंट जेस्चर्स कर रही है कल का जो प्रोमो आउट हुआ है वहाँ पे भी वो कॉन्स्टेंटली कर रही है और फिर कोई उसको पकड़ के रखा है और वो पैर उठा के किसी को लात मारने की कोशिश कर रही है आई थिंक लाइक किक करने की कोशिश कर रही है एंड ऑनेस्टली वही मेरे फैंस के ऊपर और मेरे ऑडियंस के ऊपर जो बिग बॉस देखते हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा था कि दे विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड लाइक माई जेन्युइननेस एट वन पॉइंट और इसीलिए मैं बार बार हर इंटरव्यू में शायद वो क्लियर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि जो एक इमेज या एक इमेज जो बाहर पोर्ट्रे हुआ है कि शी इज़ वेरी एरोगेंट एंड दिस दैट वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ और वही चीज़ मैं क्लियर आउट करने की कोशिश कर रही थी और देखिए ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो गया और सबको समझ में आया है थैंक यू हर साल बिग बॉस में लव एंगल तो ट्रेंड रहता ही है तो इस साल भी शालिन टीना गौतम सौंदर्य इन लोग का भी एक लव एंगल देखने को मिल रहा है ये कितना फेक है कितना रियल है उसके बारे में कुछ बताएं
ये एब्सोल्युटली फेक है क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत स्मार्ट है और उनको भी दिख रहा है कि ये एब्सोल्युटली फेक है क्योंकि कंटेस्टेंट्स के मन में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गया कि अगर वो लव एंगल प्ले करेंगे या ऐसा कुछ तो वो आगे तक जा सकते हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो इट इज़ एब्सोल्युटली फेक एक्सेप्ट अंकित एंड प्रियंका व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है घर में और उन्होंने शो भी साथ में पहले किया है. दे आर रियली फॉन्ड ऑफ इच अदर. बाकी तो मुझे सब फेक लग रहा है और गेम लग रहा है. जिस तरीके से आपने कहा कि सभी एपिसोड से भी आप देख रही है, क्या लगता है टीना का अगला शिकार कौन है? टीना का अगला शिकार सुंबुल है, वो तो आप लोगों को सब दिख ही चुका है, इसीलिए उसने उसको नॉमिनेट भी किया है. और बाकी वो उस बाकी घर वाले काफ़ी स्मार्ट है. वो जो स्ट्यूपिड गेम्स खेल रही है, सभी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है. बाहर के लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो घर में जो उनके साथ रह रहे उनको तो समझ आएगा ही. और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक वो शिकार बना सकती है, मतलब ये उसका जारी रहेगा. आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम अभी तक कौन खेल रहा है? अब्दू. एट द एंड यू वांट टू से समथिंग अबाउट अब्दू? मैं यही कहना चाहती हूँ वापस से कि मेरी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है. शायद छोटी, बहुत छोटी है, बट आई रियली एन्जॉयड एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंड इनसाइड द हाउस. और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू. थैंक यू.